पूज्य बापू महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर साथ ही साथ स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, ये हमारे दोनों महापुरुषों के साथ जोड़कर के 17 सितंबर यशस्वी वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्म से लगा करके आज के दिन तक जो पखवाड़ा आयोजन किया है, उस पखवाड़े के अंदर ये जो गुलदस्ता बना विविध प्रकार के कामों का, अलग अलग आयाम अलग अलग प्रकार के रूप स्वरूप बनाते हुए, मैं खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय को बधाई देना चाहूँगा, जोरदार अभिनंदन करते हैं जिन्होंने आज ही के दिन का उपयोग करते हुए हमारे उस पखवाड़े के अंदर उसकी सबसे बेहतर और खूबसूरत पलों को संयोजन करने का प्रयास किया है। यशस्वी मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। समादरणीय हमारे यशस्वी विधायक जिनका नाम ही भगवान से चालू होता है, भगवान दास सबनानी, जोरदार अभिनंदन करें माननीय भगवान दास सबनानी जी का। ACS श्रीमती स्मिता भारद्वाज जी, IPS श्रीमान रवि गुप्ता जी, मंच के ठीक सामने बैठे सभी हमारे खिलाड़ी भाइयों बहनों के अभिभावकगण, आगंतुक अतिथिगण, सभी प्रकार के खिलाड़ी और सभी प्रकार के हमारे पत्रकारगण, आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आकाशवाणी में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आता था पहले, आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम, जिसमें विविध प्रकार के गानों का संयोजन करके सभी का आनंद के साथ बहुत सुंदर प्रयोग होता था। मैं मान के चलता हूँ कि आज के इस आयोजन में भी ऐसे कई प्रकार की चीज़ों को जोड़ा है आपने, बापू का जन्मदिन, पखवाड़े का समापन, उसमें खेल मंत्रालय ने भारत सरकार की भावना के अनुसार हमारे खेल मंत्री मनसुख जी मांडविया जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो, जिनका भाव रहा है कि ये आयोजन आज ही के दिन हो, हमने उस क्रम में भी कदम से कदम मिलाया। और यशस्वी प्रधानमंत्री के मन का भाव मान के चलो, सच मानो, कितना अच्छा लगता है सुनकर के, कोई ओलंपिक, कोई एशियाड, कोई पैरा ओलंपिक, खिलाड़ी के लिए पहला और आखिरी दिन दरवाजा खुलता है यशस्वी प्रधानमंत्री का, जोरदार अभिनंदन करो, जो लगातार प्रोत्साहन दे, जिनने बताया कि एक प्रधानमंत्री कितनी प्रकार की प्रतिभाओं को उनका अपना मनोबल बनाए रखते हैं, जो पुरस्कार पाते हैं उनके लिए भी स्वागत करते हैं, जो पुरस्कार से चूक गए उनका ज्यादा ध्यान रखते हैं, ये है खिलाड़ी भावना, यह आनंद है, ये प्रोत्साहन चाहिए। खिलाड़ी दिल से मेहनत करता है, दिमाग से योजना बनाता है, ताकत से लगता है, लेकिन कभी कभी भाग्य साथ नहीं देता है। खिलाड़ी को खिलाड़ी बने रखने के लिए यही तो पल जरूरत लगती है, जब कोई कारण से चूक जाओ तब भी उसके साथ पूरा देश खड़ा रहे, देश का सबसे बड़ा पद को गौरवान्वित करने वाले व्यक्ति खड़े रहे। इसलिए कुश्ती का मौका याद करो, कोई कारण से हमारी बहन नहीं ले पाई कुश्ती का पदक, तो प्रधानमंत्री साथ में खड़े, ये हमारे लिए इसी दिन को तो देखना है, ये तो आनंद है।